दो दोस्त एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक को बहुत सीरियस बीमारी थी, कैंसर हुआ था, और दूसरा पूरी बॉडी पैरालाइज हुई थी, हाथ पैर, और वो भी एडमिट था। एक ही वार्ड में थे, जिसको पैरालिसिस हुआ था वो खिड़की से ज़रा दूर था, और जिसको कैंसर हुआ था वो एकदम खिड़की के पास में उसका बेड था। दोनों दोस्त थे। ये जो खिड़की के पास वाला जो दोस्त था वो उससे बातें करता था, उसको सुनाता था, कुछ बातें सुनाता था। उसको मालूम था कि अपन जब भी जाने वाले हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं। वो खिड़की के बाहर ढाकता था, देखता था, झांकता था, और खिड़की के बाहर जो भी है उसका वर्णन करता था। बोले तू नहीं चल सकता है, ठीक है मैं तेरे को वर्णन करके बताता हूँ बाहर क्या चल रहा है। बोले बता जरा मुझे। दूसरा बोलता था जिसको पैरालिसिस हुआ कि बता बता क्या चल रहा है बाहर, कैसी है दुनिया। बोले बाहर बहुत ही सुंदर वातावरण है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बड़ा समुंदर है, नीला नीला पानी दिखाई दे रहा है, ऊपर नीला आसमान है, पानी की लहरें जोर से किनारे पे आ रही है, जा रही है, बहुत आवाज़ कर रही है। वहाँ रेत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं हवा में। एक दो आइसक्रीम वाले भी आइसक्रीम बेच रहे हैं, कोई खरमूरे बेच रहे। उधर के बाजू सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब रोज़ वो उसको सुनाता था कि क्या चल रहा है, दुनिया कैसी दिख रही है। तो रोज़ सुबह उठना, बातचीत करना, फिर शाम के समय उसको सुनाना कि भाई दुनिया कैसी है, क्या हो रहा है बाहर। और जिसको पैरालिसिस हुआ था वो बेचारा सुनता था, कल्पना करता था कि बाहर दुनिया कैसी होंगी, बाहर की दुनिया कैसी है, क्योंकि वो उठता नहीं था, जा नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। फिर वो पूछता था बोल चल बता आज कैसे क्या, आज क्या क्या हो रहा है बाहर। फिर वो बताता कि बच्चे हैं खेल रहे हैं, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, खरमूरे वाला खरमूरे बेच रहा है, आज जरा बारिश आ रही है, पता नहीं क्यों बहुत हवा चल रही है जोर से। तो ऐसा कुछ तो भी मतलब वो वर्णन करता था, और उस वो उत्सुकता से पूछ रहा था कि चलो आज अभी क्या होगा बाहर, आज क्या होगा ना, आज क्या बताने वाला है मेरा दोस्त। तो एक दिन जब सुबह उठा ये पैरालिसिस हुआ लड़का, देखा उसने तो वो जो बाजू वाला बेड था खिड़की के पास वाला, वो बेड खाली था, उसका दोस्त वहाँ नहीं था। उसने वहाँ के नर्स को पूछा कि वो कहाँ गया। बोले रात को उनकी डेथ हो गई, वो चल बसा। बोले उसको बहुत दुख हुआ। बोले अभी मुझे कौन बताएगा बाहर क्या चल रहा है, तो बोले अभी मैं देखूंगा क्या है, तो मैं देखता हूँ क्या है, तो मैं कोशिश करता हूँ। अभी तक वो बता रहा था अभी मैं देखता हूँ। तो वो ताकत लगा लगा के घसीटते घसीटते चलते चलते जोर लगा के वहाँ खिड़की तक पहुँच गया। बाहर देखा तो बहुत वहाँ बड़ी दीवार, काली दीवार खड़ी थी। बोले तो काली दीवार है, दिखता तो कुछ भी नहीं है। नर्स को बोला ये दीवार कब आ गई। दीवार तो बरसों से यही है। बोले फिर ये मुझे दोस्त रोज क्या सुना रहा कि बाहर समुंदर है, नीला आसमान है, नीला पानी है, ये क्या बता रहा था। सब झूठ बोला उसने मुझे, पूरा झूठ बोलते गए हैं मेरे से। बोले झूठ उसने बोला, मगर वो जो उसने बोला वो बोला उसके वजह से तो वो देखने के लिए आप अभी चलते चलते आए यहाँ तक, आपके पाँव में पावर आ गई। देखो अपने शब्दों में कितनी पावर है, वो शब्द से बोलता गया आपको कितनी पावर आ गई। अपने शब्दों में पावर है, अपने शब्द किसी को गिरा सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं। शब्द अच्छे बोलो, लोगों को पावर दो, शब्द का इस्तेमाल लोगों को पावर देने में करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।